कमीशन के ऊपर, जो नोटबंदी के ऊपर आज हजारों लोगों के साथ नागेंद्र जी कांग्रेस पार्टी और सिटी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों को नाम नाम से बधाई देता हूं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी को और यहां की सरकार केसीआर को, वो बड़े मोदी ये छोटे मोदी, दोनों मोदी को आपने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जो हमेशा आवाम के साथ रहती है, आवाम के मसाइल के साथ रहती है। अब रहा बात मोदी जी, 18 नवंबर का दिन एक सिया दिन था, ब्लैक डे था। उस दिन आपने कहा कि भाइयों बहनों, मैं 1000 की नोट और 500 की नोट को कैंसिल रद्द कर रहा हूं, अब ये रद्दी बन जाएगा, उसके 50 दिन के बाद अब मैं गरीबों में खुशहाली लाऊंगा, मैं इस काला धन वालों को पकड़ूंगा, टेररिस्टों को पकड़ूंगा, ऐसे बातें करे। लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है 50 दिन। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बोल रहा है तो 50 दिन दिए। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 50 दिन के अंदर 120 मासूम लोगों की जान गई, उसका कौन जिम्मेदार है? ये मोदी जिम्मेदार है। मोदी के ऊपर FIR इश्यू कर उनको खतल के जिम्मे, उनके ऊपर केस चलाना चाहिए। ये मोदी की वजह से आज 120 लोग मर गए, 50 दिन हो गए। कहाँ है काला धन, कहाँ है पैसा, कहाँ है टेररिस्ट? अरे भाई 500 की नोट हम नहीं रखे, लेकिन कश्मीर में टेररिस्ट मर जा रहा था, वहां 500 की नोट दिख रही, हमसे पहले कश्मीर पहुंच गई नोट। तो ये बताना चाह रहा हूं कि आपने तमाम झूठ बोला। 125 करोड़ आवाम की मेहनत की, पसीने की कमाई को आपने काला धन का छाप लगा दिया। किसने दिया ये ताकत तुमको, किसने इल्जाम ये काला धन बोलने का कहा? सफेद इसलिए मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर फिर एक दफा सिटी कांग्रेस को और खास तौर पर नागेंद्र साहब को मुबारकबाद देता हूं, और कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब के सदारत में पूरी स्टेट में भी यह चलेगा, और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मैं आज की ओर से, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो है बिजनेसमैन, हमारे मारवाड़ी भाई, हमारे नॉर्थ इंडिया के भाई, वो चाहते थे कि मोदी तो देश में बदलाव आएगा, देश में बदलाव नहीं लेकिन तुम्हारा बदलाव, तुम्हें किस तरीके से मैं बोला मेरे पास आए तो, अरे बाबू तुम लोग छोटे धंधे वाले हैं, मोदी तुम्हारा गुरु है, गुरु वो गुरु इनको बता दिया कि क्या किस तरीके से उनसे किया जाता। तो आज हम सब मिलकर फिर राहुल गांधी जी के कांग्रेस के हाथ मजबूत कर नरेंद्र मोदी हटाओ, देश को बचाओ और कांग्रेस को दोबारा लाओ। धन्यवाद। पहचान भारत भूमि अभिमान भारत भूमि का, गर्व संदेश भारत का, राम न्याय सच्चाई की। ये आज का प्रोग्राम कामयाब बनाने में NACL का, यूथ कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, हमारे भाई अंजन का और रूप सिंह जी का, सुदीप पटेल और यादी भाई का, सबका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अकेले नहीं, ऐसा नहीं, पूरे लोगों को जो है मैं दिल से उन सबका मुबारकबाद देना चाहूंगा, उनको शुक्रिया कहना चाहूंगा। वही महिला टीम बहना हमारे जितने भी आए और हमारे जितने हिंदू बहना भी आए उनको भी मैं मुबारकबाद देते हुए, अभी उत्तम कुमार रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर अभी बात करेंगे। थैंक यू। चार मीनार गांधी भवन वरकू
ఒకా ప్రమాణమైన ర్యాలీ ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసిన సోదరుడు మిత్రుడు మాజీ మంత్రివర్యులు దానం నాగేంద్ర గారు కౌన్సిల్లో ప్రతిపక్ష నాయకులు పెద్దలు షబ్బీరలీగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ కార్యదర్శి మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పెద్దలు హనుమంతరావు గారు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు మాజీ సికింద్రాబాద్ ఎంపీ ప్రియ మిత్రులు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు శారద గారు రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అనిల్ యాదవ్ గారు రాష్ట్ర ఎన్ఎస్సీ అధ్యక్షుడు వెంకట్ గారు మరి హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్ సోదరిమణి బండ కార్తిక రెడ్డి అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన ప్రియమైన